ये साथ ही मुकर गए कि रेफरेंस ऐसे था, पहले उन्होंने कहा था आप ही पहले शाउट आउट दे फिर आपको मंदिर जाना है। पैसे यार गलत गल या फिर ना पैसे वापस कर गया ना कोई पहला है। 2:30 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ता नहीं किया। 14th of January संडे के दिन हमारा मीटअप है। हंसने पहले आप हंसने मिसा पहले हंसने। अच्छा मिस लिया ना बड़ी ऑकवर्ड चीज है और मुझे नहीं शर्म आ रही, मैंने मिस के सामने फोन उठाया हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बगैर मुंह धोए हुए नहाए हुए ब्लॉग शुरू करा, मैं आपको दिखाती हूं। एक मिनट मम्मी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात यार। आप क्या हो यार, आपका समझ कुछ नहीं लगती। आप एकदम बच्चा बन जाते हो, एकदम आप माई बन जाते हो। चलो उठ जाओ, अच्छा ओए मम्मा पंगे, पापा यार देख लो सुबह सुबह पंगे। मम्मा मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। सुबह सुबह पंगे ना लो, मैंने अभी तक गरारे भी नहीं किए, दांत भी नहीं साफ किए, नहाया भी नहीं, पंगे सुबह सुबह ना लो। टोपी उतारो, मेरे बच्चों को दिखाओ तुम कितने बुसुरे लगते हो नहाए धोए बगैर। क्या कह रहे हैं मम्मा? ओए मम्मा, ओए मम्मा, ओए की कर, ओए ओए की, ओए सुबह सुबह अल्लाह माफ करे, तौबा नऊज बिल्ला। क्या है एक झलक और क्या दिखाऊं मेरे बच्चों को अपना? और यार सबको पता है मैंने कल एक्सोजोमिया करवाया है, कल वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। PRP की जगह एक एक्सोजोमिया करवाया है हमने ताकि हमारा हेयर फॉल ना हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि कल दोपहर को नहा लेना, मैंने सोचा मैं खर्चा करवा के आता हूँ, ये जीभ मेरे पीछे पड़ गई है। घर जाकर टोपी उतार के अम्मा को दिखाया, तूने कौन सा पंगा लिया? आप पंगा नहीं लिया मैंने, पता किया मैंने, पता किया मैंने, सेंटर से जगह छुड़वाई है, बाकी इर्द गिर्द सारे बाल रखे हैं। ओए होए होए होए, पूरा अंग्रेज लग रहा हूँ मैं। मेरी खुदा दिखा जे तू कोई पंगा ऐसा लगा कोई टीटो पानी नहीं, मैं जूती लागा पिंक होते ना कुटरा देखी पिंक है, पिंक देखो आ पिंक देखो। नहीं नहीं, मैंने मेरी बात सुनो, हेयर फॉल हो रहा था ना तो उन्होंने PRP होती है, PRP होती है, उसके अंदर क्या होता है मुझे भी नहीं पता। PRP हर महीने के बाद 4 सेशन करवाने पड़ते हैं, मैंने एक ही करवाया है एक्सोजोमिया, जो अब 4 महीने मैंने क्लिनिक नहीं जाना, तो वो हुआ है, खत करवा के आता हूँ, फिर शावर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ क्या हो गया। एक्सोजोमिया तू क्यों पंगे ले? मम्मा जी हेयर फॉल हो रहा था यार, मैं आ रहा हूँ अभी, रुक जाओ ठीक है, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में। क्या ओए क्या है, पापा ने बता दिया क्या है, क्या है तो भाई? पापा मेरे एजेंट है, मैंने पीछे रखा हुआ, पापा को सैलरी पे रखा हुआ। अच्छा जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। आज हमने जाना है मीटअप के लिए, मीटिंग करने। कहाँ जाना है, किसके साथ मीटिंग है, सब आपको विद द टाइम बताएंगे, लेकिन उससे पहले 11:30 हो रहे हैं, मैं आज टाइमली उठा ही इसलिए हूँ कि मैंने खाद चेक करवाना है, पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। ये देखो इसको देखो, अस्सलाम वालेकुम जान। ओ यार जान क्या तुम मारती रहती हो हर वक्त, अस्सलाम वालेकुम बोलो, बोलो रज्जा फैमिली लगाओ, बोलो रज्जा फैमिली लगाओ, आया। अच्छा जी विदाउट वेस्टिंग टाइम निकलते हैं, खत करवा के आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलेंगे अगली मीटिंग। ओके मम्मा जी अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दुआ करो यार आज जहां मैं जा रहा हूं मीटिंग पे, मीटअप के लिए, वो फाइनल हो जाए ताकि कमिंग संडे हम लोग मिल सके इंशाल्लाह और मैं आप सबके गिफ्ट आप तक पहुंचा सकूं। सिर्फ खत करना और आप जो टॉन्ट शॉन्ट मारते थे ना मुझे टिंडो जनी है एटसेट्रा हो जाना एटसेट्रा हो जाना, मैंने कल एक्सोजोमिया करवा लिया, अब नहीं टिंडो थी। हाँ जी अब नहीं टिंडो थी, करते करते खत करते फटाफट करते। चलो जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर लग रहा है। डॉक्टर साहब ने मना किया था कि शावर नहीं लेना, वरना मैं रात को नहाए बगैर नहीं सोता, मैं पहुंचते हैं घर और जाके शावर लेते हैं, नाश्ता भी करना भी इसमें। पता नहीं जिंदगी में कभी किसी जगह पे मैं टाइम पे पहुंच सकूंगा या नहीं। 1 बजे यहीं पे बज गया और 2 बजे का मेरा टाइम था मीटिंग का, मीटअप के लिए, ठीक है। वो मैम मेरा इंतजार कर रही हैं, सर मेरा इंतजार कर रहे हैं कि भाई 2 बजे पहुंच जाएंगे और मैं अभी तक नहा के ही नहीं निकला, शावर लेना है, हैदर को पिक करना है और फिर पहुंचना है, लेकिन इंशाल्लाह आज हम मीटिंग डन करके आएंगे ताकि आपको मजीद इंतजार ना करना पड़े मीटअप के लिए। अब ऐसा ही कपड़े इस्त्री होने के नहीं हुए, चिट्टा सूट इस्त्री हो रहा भाई, शावर ले लेते हैं, नाश्ता रेडी के नहीं, रेडी 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 है, नाश्ता रेडी है, शावर ले लेते हैं और निकलते हैं। बहुत सर्दी है ब्रो, बहुत सर्दी है जी जी।
आज मीटअप का मेरा बेटा सारा फाइनल करके ना, मेरे बच्चे बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हां फोन क्यों आ रहे हैं आपको भी ना? और आपने भी नाश्ता अभी तक नहीं किया मुझे। नाश्ता मैं कर लेता हूं, रास्ते में गाड़ी में रखवा दो। हां उन्हें मैं गाड़ी में रखवा आई हूं, मेरी बात सुन ले। आज खैर से फाइनल करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके मैं निकल रहा हूं। खैर देखो मैं पिक कर लूंगा रास्ते से और वापसी भी आता हूं। तो अभी एक और जगह पे मैंने जाना है, आपको याद है कि नहीं? याद याद नहीं होगा आपको, मैंने ही जाना और हैदर ने भी जाना। मैं आपको वापसी भी आकर बताता हूं, आई थिंक आपको नहीं बताऊं, आप इनवाइटेड नहीं हो दरअसल। मैं आपको वापस आकर बताता हूं और ब्रो वो किसी और जगह का इवेंट है, मैं आपको वापस आकर बताता हूं। फिलहाल जा रहा हूं, फाइनल करके आता हूं, नाश्ता रखिए गाड़ी में ठीक है, और मैं साथ लेके जा रहा हूं भाई को। ठीक है ठीक, हाँ हाँ साथ जा रहे हैं। मम्मा ये क्या हुआ? ये तो करीब आओ करीब आओ करीब आओ करीब, ये क्या? हाथ हटाओ हाथ हटाओ, ये क्या हुआ? काम नहीं होता जो। तो आपने दवाई नहीं ली? नहीं टिशू हो जाता है एक दो दिन में ठीक, टिशू लगा के ना उस। आप टिशू या फिर ये दुपट्टे के साथ ना साफ किया करो यार, आपकी मेहरबानी है। वो लगाओ पॉलीफेक्स लगाओ इसके ऊपर लगाओ, ख्याल रखो। मैं निकल रहा हूँ ठीक है, खैर से जाओ, जल्दी आ जाना मेरा बेटा। मैं बस फाइनल करके आ रहा हूँ ठीक है, गाड़ी में कर लूंगा नाश्ता, परेशान ना होना। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके 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 जान ओके 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 जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घर से निकल चुके हैं, हैदर को पिक कर लेते हैं। हैदर को पिक करेंगे फिर हैदर गाड़ी चला लेगा और मैं इजी होकर नाश्ता कर लूंगा। 2:30 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ता नहीं किया, भाग दौड़ ही ऐसी लगी हुई है। और कहाँ जाना है हमने रात को ये मैं आपको जैसे ही मीटिंग से फ्री हो जाएंगे फिर आपको बताऊंगा। वैसे जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि आज कहाँ जाना है, जो नहीं कर रहे फॉलो वो अभी जाके कर लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी इंस्टाग्राम का लिंक है। बाकी कहाँ जाना है ये मैं आपको मीटिंग से फ्री होके फिर बताता हूँ, अभी हैदर मेरी जान को पिक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ठीक ठाक हो? मैं नाश्ते का वेट कर रहा हूँ, तुम आओ तो मैं नाश्ता करूँ। कर लो नाश्ता, नाश्ता कर लेते हैं रात के लिए, रेडी हो फिर जाना आज। मैं रेडी हूँ, आए इंजॉय करेंगे इंजॉय ठीक है। कपड़े बदले तो पहले तैयार हुए हो भाई? मैंने जरा मीटिंग शीटिंग करनी थी, मैंने कहा तो ये पता फिर टेरर होना चाहिए ब्रो, क्या होना चाहिए जरूरी रजबट होना चाहिए। रजबट नहीं, मेरी बात सुन, रजबट क्या है? कुछ भी नहीं है भाई जान, रात को जो क्रिकेट खेल लिया ना मेरी टांगे मेरे पेट के अंदर ऐसे हाथी भाग रहे हैं, हर चीज ऐसे जगड़ बंद हुई है। कसम मुझे समझ गया नहीं मैं चलना कैसे, कपड़े कैसे पहने मैंने। एक तो हमने परसों रात को थाई लगा ली, थाई की एक्सरसाइज की हमने ठीक है, और ऊपर से कल खेल लिया क्रिकेट, जुलकर ने जिद कर रहा था हमने क्रिकेट खेल लिया, अब टांगे गुर्दे हर चीज ऐसे जाम हुई है। जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ ना, जिस तरह मैंने मोबाइल उठाया हुआ है, मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। बस चले बिस्मिल्लाह कर निकले, चलो यार। ये हैदर बेवफा हो गया यार, मैं वॉशरूम गया हूँ फिर मुझे छोड़ के चला गया, ऊपर पहुंच भी गया। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, मिस पहले आप हंस लें, मिस आप पहले हंस लें। मिस ना दरअसल हालांकि मेरी बहुत सीनियर है, इनको हर चीज का पता है। हमने लास्ट अपना जो किया था मीटअप वो भी मिस के मतलब जेरे निगरानी में किया था, लेकिन तब मिस को इतना खास पता नहीं था कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। अभी इंशाल्लाह इस बार मिस ऑर्गेनाइज्ड पूरा पूरा, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंशाल्लाह, तो इस बार पूरा पूरा ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। क्योंकि एक जो है ना नस्ली बंदे की निशानी है जो आपके बुरा टाइम में आपके साथ है, 100K सब्सक्राइबर थे तो वो भाई इस बार थे उमर भाई, इन्होंने साथ दिया था, मिस ने कहा था इंशाल्लाह होगा। तो अब अगर 500K हुआ है अभी, वल्ला मुझे एक दो मॉल्स जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे है वहां से ऑफर कि भाई आप आ जाए हम करेंगे, लेकिन तब इन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, तब इन्होंने कहा था कि नहीं यार सब्सक्राइबर बहुत कम है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऑडियंस आती है या नहीं आती। अब इन्होंने वो वाला व्लॉग भी देखा है, अब इन्होंने सब्सक्राइबर्स भी देखे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जिन्होंने 100K पे हाथ पकड़ाया था पूरा पूरा साथ दिया था ठीक है, 500K का भी मीटअप हमारा यहीं पे होगा। पूरा पूरा आपको अनाउंस में जाके टाइम के साथ हर चीज के साथ बताता हूँ नीचे गाड़ी में बैठ के। अभी फिलहाल मिस का शुक्रिया अदा कर दें, मिस थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारा ये पूरा पूरा मिस ने प्लान किया हुआ ठीक है। ये सारी मीटिंग हो गई है, आपको मीटिंग नहीं दिखाई लेकिन ये है कि हो गया है इंशाल्लाह। दिस संडे आप आज ये व्लॉग देख रहे हैं, एग्जैक्ट जो आपके 2 दिन बाद संडे आ रहा है, इस संडे मीटअप है, टाइम वेन्यू ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। अभी निकलते हैं, 14th जनवरी आ रहा है। मेरे व्लॉग बेसिकली ना 2-3 दिन आगे होते हैं तो मुझे ना डेट नहीं समझ में आती। 14th जनवरी संडे के दिन हमारा मीटअप है, वेन्यू अमाना मॉल, आपको पता लग गया, मिस को देख के आपको पता लग गया होगा ठीक है। हमारे पहले वाले मीटअप में भी मिस आई थी थोड़ी देर के लिए, मिस पहले आप हंसने, मिस पहले हंसने। अच्छा मिस के लिए ना बड़ी ऑकवर्ड चीज है और मुझे नहीं शर्म आ रही, मैंने मिस के सामने फोन उठाया हुआ। खैर बच्चे घूम रहे हैं मेरे, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, मिस इतना बड़ा बच्चा। चले खैर, तो मैं आपको टाइम वगैरह हर चीज अमाना मॉल का तो पता लग गया आपको ठीक है, हर चीज मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। फिलहाल जरा चाय वेट कर रही मेरा, ये देखो भाई टाइम क्या हो रहा है, टाइम दिखाओ जरा, टाइम दिखाओ, टाइम दिखाओ मोबाइल पे, टाइम दिखाओ। और नाश्ता अभी तक नहीं किया ब्रो, क्या टाइम हो गया दिखाओ, 5:27 हो गए और ये रहा मेरा नाश्ता। अम्मा को पता लगा ना तो 15,000 गालियां पड़ेंगी, इतना आसान नहीं है भाई ये व्लॉगिंग, काम कोई भी है ना मेरा, नहीं ख्याल कोई जॉब है बिजनेस कुछ भी है ना, आसान नहीं है। खैर जैसे ही निकलते हैं बाहर डे लाइट में मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से
अनाउंस कर देता हूँ कि कितने बजे पहुंचेंगे, क्या एक्साइटिंग न्यूज़ है आपके लिए मीटअप से रेलिवेंट, हर चीज़ मैं आपको गाइड कर देता हूँ। नाश्ता कर लूँगी आपने, बिस्मिल्लाह। इतनी खुशी है मुझे, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मेरी 30-40% बैटरी चार्ज हुई है, वरना 3-4 सैंडविच से क्या ही बनेगा भाई, सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था। अच्छा जी, अभी सीन ऐसे है, 14th of January संडे वाले दिन हमारा मीटअप है फाइनली, और आई एम रियली सॉरी कि मैंने 500 के का कहा था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया भाई, कुछ मसरूफियात इस तरह की थी ना यार, समझा करो। आया हूँ लेकिन थोड़ा सा देर से आया हूँ, और अच्छे तरीके से आऊंगा। आप सबके नग एज इट इज पड़े हैं, खाके शिफा पड़ी है, और फिर इमाम रजा के सिक्के पड़े हैं, वो आप सब तक पहुंच जाएंगे। और इस बार अमाना मॉल फुली ऑर्गेनाइज्ड हमें मीटअप देगा, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हें पता नहीं था कि ऐसा क्रेजी अवाम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, अवाम नहीं है, तो इस बार इंशाल्लाह फुल ऑर्गेनाइज होगा, परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 6 बजे से लेके 9 बजे तक इवेंट है, ठीक है, और मैं आपके पास रहूंगा। टाइमली आ जाएंगे तो आगे खड़े हो जाएंगे, लेट आएंगे तो पीछे जगह मिलेगी, वीडियोस पिक्चर्स मुश्किल हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपके नग, आपकी खाके शिफा, और आपका रजब, और पूरी रजब फैमिली आपका इंतजार करेगी। 14th of January अमाना मॉल संडे शाम 6 से 9 बजे तक का टाइम है भाई, ऐसे ही। और कौन कौन आ रहे हैं बता दो भाई, सारे आएंगे, हैदर नहीं आ रहा, हैदर मसरूफ, हैदर का पेपर है, संडे वाला दिन पेपर है इसका, मेरा संडे वाला दिन कौन सा पेपर है। हैदर मेरे साथ, अम्मा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ, कोशिश पूरी होगी कि जवाद भाई और जवाद भाई की फैमिली से जो आ सकता हुआ मैं लेके आऊंगा। बाकी हम सब तो है ही है, जो पहले भी थे, हम लोग आपके साथ साथ ही, ठीक है। और भाई, बाइक का तो बताया ही नहीं, मुर्शिद बाइक भी दे रहे हैं, एक बाइक भी दी जा रही है। आप में से किसी को नंबर ऑफ कूपन्स होंगे, क्योंकि अमाना मॉल का जो मेरा ख्याल है शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, तो आप लोगों ने अगर वहां से परचेजिंग की भी है, वेल एंड गुड, 5,000 की या मेरा ख्याल 5,000 रुपए की जो आप शॉपिंग करते हैं तो आपको कूपन मिलता है, वो कूपन निकाला जाएगा, जो कि मैं खुद निकालूंगा और बाइक दूंगा। आए 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 आए, क्या बात है, मैं अपनी कूपन कट रहा हूं, मनु दे बाइक खत्म गाड़ी। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह 14 जनवरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अमाना मॉल लिंक रोड लाहौर शाम को 6 बजे, लेट मत होइएगा, अपने टाइम पे पहुंच जाइएगा। अभी स्टाइलिंग करवानी है और एक और जगह जाना है, जहाँ की स्टोरी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी, वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं, फुल फन है वहां पे, लेकिन पहले स्टाइलिंग करवा लेते हैं, ऐसे जाने वाली हालत नहीं है। और भाई साहब ने तो मेरे ख्याल कपड़े भी चेंज कर, पहुंचते हैं फिर आपको मिलते हैं। यार छेती कर, मेरे को टाइम नहीं गा, जल्दी कर, स्टाइलिंग कर, मैं जाना है, छेती कर मेरा भाई, हरिया Bro, please come fast. We are already very much late. Dusty, mera bhai. Okay. 2,000 years later. आए, इतने शॉलो शॉल ही हो गए ने भाई. वैसे वैसे क्या सीन हो ना, वहाँ पहुँचे तो कुछ आया ही ना हो, हमारी बिस्ती हो जाए. क्या ख्याल है? हम अपना एंजॉय कर लेंगे. आए, हम हर हाल में खुश हैं, हम खुद क्वाली एंजॉय करके आ जाएंगे, कोई आया होगा सोबस मिल्ला मिल लेंगे, तस्वीरें सूरत ले लेंगे, कोई नहीं आया होगा क्वाली सुन के वापस आ जाएंगे। चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्र अल्लाह पाक, पहुंच गए। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? कैसा रहा इवेंट आपका, चल रहा है? लेट लेट तो नहीं हुआ मैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, लोग सब ठीक ठाक है? चलते हैं अंदर, अभी देखते हैं क्या हिसाब को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका क्या है? मोटू पतलू फैमिली को भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। आपका शमी भाई को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप बताएं, पाक ईसा फैमिली को भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ठीक है? चलो जी, ये मेरे भाई ने इवेंट करवाया था, ये मेरे भाई हैं, 3-4 बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और रिफा यूनिवर्सिटी से हैं, इन्होंने इवेंट करवाया था, बड़ा अच्छा इवेंट था, ऑर्गेनाइज था और मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया, मुझे आइडिया नहीं था, गजल से आपने पास इनसे खरीद लिया और पास लेके वो भी आए। ये बताएं आपको कुछ स्टूडेंट लाइफ की छोटी नहीं, मैंने स्टूडेंट लाइफ देखी नहीं, लेकिन आप लोग इन्जॉय कर रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे और इस तरह के अच्छे अच्छे इवेंट प्यारे प्यारे छोटे छोटे जरा गैदरिंग करती रहती, खुश रहे हैं बाद में, निकले जी। यार इवेंट मेरा, तुम लोग किधर आ गए ब्रो, हैं किधर आ गए हो? मैं तो एंजॉय करने आई हूं। एंजॉय करने आए हो? पैसे दिए पास के मुफ्त भरी लगाई हो?
मसला है, मैं किस चीज के पैसे दूं? इन्होंने पैसे दिए? ये भाई ने मुझे फ्री में एंट्री कराया है यार। नहीं ऐसे नेपोटिज्म नहीं करते, नेपोटिज्म नहीं करते, इनसे पैसे लेने चाहिए भाई। रेफरेंस ऐसा था, वो साडा कादा रेफरेंस से पैसे लेना चाहिए। अरे को बहुत पैसे ले, और भी फैमिली के रेफरेंस इनसे पूछे जा रहे थे ये सारे। तो ये साथ ही मुकर गए कि रेफरेंस ऐसा था, पहले उन्होंने कहा था आप ही पहले शाउट आउट दे फिर आपको मंदिर जाना। इन्होंने लिए पैसे यार, गलत गल या फिर इन्होंने पैसे वापस कर दिया ना? कोई पहला है ना, कोई पहला है, फैमिली फैमिली है। शाउट आउट दिया भाई, मेरी बात सुन लो, सारे भाई को शाउट आउट दो। भाई ने इवेंट कैसा करवाया है अपने अपने व्लॉग में बताओ, ठीक है? और 800,000 रुपए में मेरा नहीं ख्याल कोई एंटरटेनमेंट मिलती है, ठीक है? ऐसे जूस भी नाल मिलेंगे, ठीक है? वैसे मैं आपसे मिलना नहीं, हमें बाइक के लिए ओके। ओके जी, गजल लोग जा चुके, इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। अल्लाह पाक हर उस बच्चे को कामयाब करे जो कि मेहनत करता है, कामयाब होने की कोशिश करता है, आप सबको भी और इन बच्चों को भी। फिलहाल व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। यकीन करो मैं ऐसा बुरा थक गया हूँ, मेरी टांगों में मेरे पेट में क्रैम्प पड़े हुए, एक्सरसाइज की थी फिर उसके बाद थाई की एक्सरसाइज लगाई थी। क्या सूरत हाल है अभी, क्या लग रहा है चेस्ट? आज की चेस्ट की एक्सरसाइज लगेगी या नहीं लगेगी? बहुत मुश्किल से लगेगी लेकिन लगानी है इंशाल्लाह। और मीटअप आपको अनाउंस हो गया, अब आपको अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ, मैं कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई कर दूं। लेकिन रिपीट कर देता हूं, 14 जनवरी संडे का दिन शाम 6 से रात 9 अमाना मॉल में मीटअप है हमारा। आपके गिफ्ट्स वगैरह सब वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 500K का मीटअप है। अभी व्लॉग को फिलहाल कर रहा हूँ यहाँ पर एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़।